आयकर विभाग की करकुंज कॉलोनी में भी योग दिवस मनाया गया। इस दिवस में प्रधान आयकर आयुक्त रेणु जौहरी ने भी योग किया। योग का ये नजारा है आयकर विभाग की करकुंज कॉलोनी का। यहाँ पर योग दिवस मनाया गया। 21 जून को योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यही वजह है कि आयकर विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी योग करते हुए नजर आए। इस दौरान आयकर आयुक्त प्रथम रेणु जौहरी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज हम लोगों ने सबने करकुंज हमारे आवासीय परिसर में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से योगा किया। मैं समझती हूँ ये भी एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया है, जैसे हम 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, ये भी एक राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हम सब ने संकल्प लिया कि पूरे वर्ष इसको करेंगे और योगा करते रहेंगे, ताकि हम फिजिकली मेंटली फिट रहें और अपने कार्यों का, दायित्वों का जो निर्वहन है वो अच्छी तरह से कर सके। रेणु जौहरी के मुताबिक योगा केवल योग दिवस पर ही नहीं करना चाहिए, इसे तो साल भर करना चाहिए। इस अवसर पर सीआईटी प्रथम राजस्व द्विवेदी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। योगा डे में कल से एक तरह से मुनादी हो गई थी कि आज ये मनाया जाएगा, और क्योंकि यही हम लोग की बड़ी कॉलोनी है तो इसी में सब ये स्थान चुना गया, और सभी कर्मचारी, बहुत सारे परिवार के लोग वो उपस्थित हुए। और योगा का, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं जानते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए इसकी ज़्यादा महत्ता आज है, और शायद उसी को कि वो कर सकें, आगे आदत में डालें, उसी का उद्देश्य था और उसी के लिए आज का ये कार्यक्रम था। योगा तो सभी को जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि उनका शरीर पूर्ण रूप से काम कर सके। योग करने से इंसान को एनर्जी मिलती है, इससे इंसान का तनाव भी दूर होता है, इसीलिए इंसान को अपने जीवन में योग को सार्थक रूप से स्वीकार करना चाहिए। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।